नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास है। तो नरेंद्र मोदी जी, न्याय योजना जैसी योजना लागू कीजिए, 6 महीने के लिए चलाइए और हर गरीब परिवार को 7,500 रुपये महीना का दीजिए। और एक दूसरा सवाल है, आपसे सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से सवाल है। पूरा देश जानता है कि चाइना ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन छीनी है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? धन्यवाद, जय हिंद। भाइयों और बहनों नमस्कार। पिछले 3 महीनों में कोरोना ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है, जबरदस्त चोट लगी, बहुत नुकसान हुआ, पूरा देश जानता है। सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा चोट गरीबों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को और सैलरीड क्लास को हुआ। हमने सरकार को 3-4 बार सुझाव दिया, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपये महीने का डालिए। इससे डिमांड क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी। सरकार ने मना कर दिया, एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने मना किया। कारण क्या दिया? उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने लाखों करोड़ रुपए 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट का टैक्स माफ किया था, और पिछले 3 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास है। तो नरेंद्र मोदी जी, न्याय योजना जैसी योजना लागू कीजिए, 6 महीने के लिए चलाइए और हर गरीब परिवार को 7,500 रुपये महीना का दीजिए। और एक दूसरा सवाल है, आपसे सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से सवाल है। पूरा देश जानता है कि चाइना ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन छीनी है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? धन्यवाद, जय हिंद।